विमान उड़ाई देवाकु बारंबार आसुची धमकपूर्ण फोन कॉल। गत पांच दिन मध्य 40 विमान उड़ाई देवाकु धमक आसला। एजावत कौनसी विमान रे ब्लास्ट होना तेरे आपण जानते कि यही धमकपूर्ण फोन कॉल पर केते क्षति सौची इंडियन एयरलाइंस, ताले नजर पकांतु एही खबर उपरे। पूर्व निर्धारित डेस्टिनेशन रे पहुंचिबा पई निर्दिष्ट होइथाय विमान खर्च, हेले हठात एथिरे कोनोसी प्रकारर परिवर्तन करागले बढ़ी जाए विमान खर्च। विमानर इंधन, शेड्यूल लैंडिंग, एयरपोर्ट रे पार्किंग फी एवं यात्री सुरक्षा व्यवस्था पई अधिक फी लागे। केवल गोटे मात्र मिछ फोन कॉल पई कोटि कोटि टंका क्षति सौची इंडियन एयरलाइंस। उदाहरण स्वरूप अक्टोबर 14 रे एयर इंडिया बोइंग 777 विमान मुंबई रु न्यूयॉर्क जेकेएफ एयरपोर्ट को यात्रा आरंभ करितला। हेले टेक ऑफ रो किछि समय परे हठात एक फोन कॉल आसीथिला आ विमान को उड़ाई देबा को धमक मिलितला। फळरे 200 यात्री एवं 130 टन रो जेट फ्यूल लदा होइतबाय विमान को तुरंत दिल्ली को डाइवर्ट करा गला। सुरक्षित लैंडिंग पई 100 टन जेट फ्यूल खर्च हला। एथि पई एयरलाइंस रो पाखा पाखि 1 कोटी टंकार क्षति सहला। केवल से नुहे अक्टोबर 15 रे भी घटला समान घटना। बोइंग 777 विमान दिल्ली रु चिकागो जाउथला, अचानक बम धमाका पई धमक मिलला, फल विमान को कानाडा रे लैंडिंग करने को पड़ा। यही विमान में 200 रु ऊर्ध यात्री थे। कानाडा रे विमान को 3 दिन रहा पड़ा। एयरलाइंस कानाडा बायुसेन विमान को भड़ा नहीं यात्री को सेमानक डेस्टिनेशन रे पहुंचाइला। एथिपाई एयरलाइंस खर्च आहुरी बढ़िगला। एमितरे इंडियन एयरलाइंस उपरे 15 रु 20 कोटी अतिरिक्त खर्च पड़गला। तेरे बारंबार एभली धमकपूर्ण कॉल आसीबा जोगु इंडियन एयरलाइंस कोटि कोटि टंकार क्षति सौछि। एही घटना एबे सरकार मुंड व्यथार कारण पलटिछि। एने तुरंत पदक्षेप नेबा जरूरी हो पड़ी। घटना को गुरुतर सह नहीं अपराधी विरुद्ध में तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली नागरिक उड़ान मंत्री राममोहन नायडू कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रमेय, न्यूज 7 डिजिटल।